मैं फोन पे कस्टमर केयर से प्रियंका गुप्ता बोल रही हूँ। क्या आप अजय कुमार बोल रहे हैं? अच्छा, फोन पे कस्टमर केयर से बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा, हाँ अजय बोल रहे हैं, बोलिए क्या बात है? आपके फोन के अकाउंट में कैशबैक आया हुआ है, आपने रिसीव नहीं किया। अच्छा, हमारे फोन पे अकाउंट में कैशबैक आया, हम रिसीव नहीं किए हैं। कितना आया है मैम? 8,528 का। हम सारा कैशबैक तो रिसीव कर लेते हैं, कैशबैक मिलता कहाँ है आज के डेट में? नहीं, आपने रिसीव नहीं किया है। अच्छा, रिसीव नहीं किए हम? सर मिला हुआ है, आपने रिसीव नहीं किया है। अच्छा, तो रिसीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलिए? सर चेक कीजिए, अपना UPI ID खोलिए। अच्छा, चेक करें, क्या चेक करें मैम? फोन पे ओपन करें क्या? यस सर। अच्छा, वन मिनट में मैं फोन पे ओपन कर रहा हूँ। वन मिनट। अच्छा, फोन पे ओपन करना है ना? यस सर। अच्छा, मैं फोन पे ओपन कर देता हूँ। अच्छा जी, चलिए हम फोन पे ओपन कर दिए मैम, आप बताइए क्या करना है? वहाँ पे आपका UPI ID आया हुआ होगा। अच्छा, UPI ID पूछ रहे हैं क्या? यस सर। UPI ID क्यों पूछ रहे हैं मैम? यहाँ पे तो कैशबैक आप बता रहे हैं। हेलो सर, आवाज कट कट के आ रहा है। UPI ID बताना है क्या? हेलो हेलो, हाँ UPI ID बताना है क्या? यस सर। अच्छा, तो लिखिए AJAY SBI 5 YBL इसी में डालिएगा क्या? यस सर। अच्छा, तो डाल दीजिए फिर तुरंत। UPI ID सही बताया ना हमने? क्या क्या शो कर रहा है आपके फोन में? मेरे फोन में तो कुछ नहीं शो कर रहा, कुछ भी नहीं शो कर रहा। हाँ सर, यहाँ पे शो करेगा देखिए, ट्रांसफर मनी। कहाँ पे? टू मोबाइल नंबर। अच्छा, ट्रांसफर मनी कहाँ पे ओपन करें? फोन पे ओपन कीजिए। फोन पे ओपन है हमारा, बताइए कहाँ पे जाऊँ, क्या दबाऊँ, कैसे मिलेगा कैशबैक मुझे? और जल्दी थोड़ा कर दीजिए, थोड़ा काम है। और ठीक है सर, मैं बताती हूँ। ठीक है, जल्दी थोड़ा बताइएगा। टू मोबाइल नंबर, हाँ ठीक है, टू मोबाइल नंबर। टू बैंक UPI ID, हाँ है, टू बैंक UPI ID। टू सेल्फ अकाउंट, हाँ टू सेल्फ अकाउंट भी है। चेक बैलेंस, हाँ चेक बैलेंस है, बैलेंस चेक करना है क्या? उसके नीचे देखिए आपका UPI ID आया हुआ होगा। हाँ, नीचे तो UPI ID दिख रहा है, यही ID बताया हमने, गलत नहीं बताया है। AJAY55@YBL यही बताया है मैम, कंफर्म मत कीजिए, सही बताया है, आप इसी में डालिए। ठीक है सर, तो आप अपना चेक बैलेंस चेक कर लीजिए एक बार। बैलेंस चेक कर ले? यस सर। छोड़िए ना मैम, बैलेंस क्यों चेक करें, आप ऐसे ही कर दीजिए ना, मेरा पैसा जो है हमको याद है, आज सुबह में ट्रांजेक्शन किया था मैंने। हेलो सर, वैसे आपको पता चलेगा, रिसीव कीजिएगा तो। अच्छा, मुझे पता चलेगा, मुझे पता है मैम, मैंने सुबह में चेक किया था, मैंने चेक किया था। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। आप अपने होम स्क्रीन पर ऑन रहिए। हाँ एकदम एकदम एकदम, फोन पे के होम स्क्रीन पे ना? हाँ फोन पे के होम स्क्रीन पे है मैम, फोन पे के होम स्क्रीन पे है, और देख रहे हैं हम अपने फोन को, कुछ नहीं हो रहा है, पैसा आना चाहिए मेरा, UPI ID ले लिए हैं, फ्रॉड स्कैम नहीं ना होगा हमारे साथ? ये देखिए गया है। फ्रॉड स्कैम तो नहीं कर रहे हो ना हमारे साथ? नहीं सर। हाँ तो फिर डालिए फिर पेमेंट, हमने UPI दिया है, इससे आगे कौन सा चीज़ें दूँ, क्या दे दूँ भाई अपना बताओ, और कुछ नहीं चाहिए मैम? कुछ देने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने लेकिन पैसे आ जाना चाहिए मैम, पैसे नहीं आएंगे तो फिर समझ लेना आगे क्या होगा मैम। बिल्कुल मिल जाएंगे आपको, बहुत गरीब आदमी हूँ मैम, पैसे मिल जाना चाहिए, बताइए क्या करना होगा। हेलो जी सर, देखिए गए होंगे। ओ इतना समय के बाद हमारे पास कैशबैक आ रहा है, इतना लेट के बाद, पहले डाल देना चाहिए था ना।
अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम था सर। ओ नेटवर्क प्रॉब्लम था, नेटवर्क प्रॉब्लम। ये कितना अमाउंट आपने भेजा है? 5,800। कितना? 8,528 रुपए आपने भेजा है। हाँ। अच्छा यहाँ पे तीर का आइकन दिख रहा है जो आपके तरफ से आ रहा है, ये तीर आप ही के तरफ से आ रहा है और डायरेक्ट मेरे यहाँ पे वार कर रहा है, मतलब मोबाइल की स्क्रीन पे वार कर रहा है। सर तीर के नीचे जो पे दिख रहा है उसको क्लिक कीजिए। अच्छा आपको ये भी पता है तीर के नीचे पे का ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है? यस सर। कैसे पता है मैम? क्योंकि आप लोग यही काम है आप लोग का ना, कि मैं कस्टमर केयर से बोल रही हूँ तो मुझे पता ही होगा ना। कस्टमर केयर से बोल रहे हैं इसीलिए। अच्छा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे पे कर दो क्या? यस सर। अब तो मुझे डर लग रहा है मैम क्योंकि यहाँ पे पे आप, पे कर आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएंगे। हमारे बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएंगे? यस सर। आपको डरने की बात, तो क्या करूं यहाँ पे कर दूं क्या मैं? यस सर। रिस्क कौन लेगा हमारे पैसे का, जो हमारे पैसे बचे हुए हैं अकाउंट में वो उड़ा देगो क्या आप लोग? सर मैं बात कर रही हूँ ना आपसे, बात नहीं। आप तो बात कर रहे हो, लग तो रहा है कोई अपना ही बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि मैं मतलब फोन में घुस जाऊं, चले जाऊं आपके पास। आ जाऊं क्या मैम? यस सर। आ जाऊं क्या आपके पास? हेलो आपको रिसीव करना है या नहीं? नहीं मुझे आने का मन कर रहा है क्या आपके पास? सर इतना फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास, आपको रिसीव करना है या नहीं? और अच्छा तो मैम रिसीव तो करना है, रिसीव कर लूंगा। चलिए पे दबा दूं क्या? यस सर। चलिए पे में कर दबा देते हैं, लीजिए आप खुश हो जाइए। आपको दिख गया होगा ना हम वहाँ पे दबा दिए हैं? यस सर। हाँ तो आपको दिख गया, सब कुछ दिख रहा है, हम जैसे से आप बोल रहे हैं वैसे वैसे हम कर रहे हैं, जो होगा आप जिम्मेवार आप रहिएगा। बिल्कुल सर। हाँ पैसा नहीं कटेगा ना हमारा? नो सर। तो इसी बात पे एक किस दे दीजिए। हेलो हेलो क्या बोले जा रहे हैं, क्या रहे हैं क्या? देखिए पता है मतलब आप लोग बात ही ऐसे कर रहे हो ना, हमको लग रहा है ना कि मतलब यहाँ पे टच करवा दिए हैं, अब आगे लेके चले गए हमारी स्क्रीन। मोबाइल तो है कि नहीं ना किए हैं आप लोग? सर आपको रिसीव करना है क्या नहीं? कुछ भी मैसेज आ रहा तो हमको डर लग रहा है, ऊपर से एक नोटिफिकेशन आया तो मुझे लगा कुछ हुआ है क्या, मैं क्योंकि रिस्क खेल रहा हूँ आपके कहने पे। आपके पे टच हो गया, मैंने ऐसे ऐसे कर रहा था मैं, सुनिए ना मैंने टच पे टच नहीं किया था, लेकिन ऐसे ऐसे मैंने किया ना तो पे टच हो गया मैम। अब यहाँ पे UPI पिन इंटर करने को कह रहा है। इंटर कीजिए अपना UPI ID दीजिए। हाँ ID डाला हुआ है तभी तो पिन मांग रहा है ना, बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा। आप ये आपको ये पता है कि हमारा कौन सा बैंक लिंक है इस पे और कितना बैंक लिंक है फोन पे में, ये बता दीजिए जरा। हेलो जी सर मुझे पता है पर उतना टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा तो इतनी देर से मुझसे बात कर रहे हो और कह रहे हो कि टाइम नहीं है, पहले तो मेरे पास टाइम नहीं था लेकिन जब अब लाइन पे आ गए हो तो आपके पास टाइम नहीं है। सर आपको कैशबैक रिसीव करना है या नहीं? हाँ मैम मुझे तो कैशबैक रिसीव करना है, बिना कैशबैक का कोई लोग भला कैसे जिएगा। सर पिन एंटर कीजिए। पिन, अच्छा पिन इंटर कर देते हैं, पिन इंटर कर देंगे तो आप खुश हो जाइएगा ना। यस सर। चलिए मैं एक बार पिन इंटर कर देता हूँ। सर हम खुश नहीं होंगे, आप खुश होइएगा। अच्छा जी हम खुश हो जाएंगे। जी सर। एक पिन नहीं दबाए हैं, एक पिन इंटर करके सबमिट कर देंगे ना तो ये हमारा पेमेंट हो जाएगा और पता है पेमेंट आपके अकाउंट में चला जाएगा है ना। सर आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे जो कैशबैक आए हुए हैं? हमारे ही अकाउंट में? यस एकदम लास्ट स्टेज पे हूँ मैम, एकदम लास्ट स्टेज पे हूँ, आप एकदम लास्ट स्टेज पे हो। जैसे मैं यहाँ पिन दबाऊंगा और जैसे मैं सबमिट करूंगा, चल मैं पिन को भी सक्सेसफुल डाल दिया है, अब सबमिट का बटन जैसे मैं क्लिक करूंगा, अरे भाई सामने उंगली लेके नहीं जाने का, मैंने ऐसे ऐसे किया टच हो गया था तो फिर से गलती से ना टच हो जाए। सर आप बहुत ज्यादा डर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम डर भी रहे हैं और लोगों को डरा भी रहे हैं, इस तरह का कॉल और फ्रॉड कॉल आप लोग कर रहे हो ना,
ठीक नहीं कर रहे हो मैम, ये लोगों को डरा डरा डरेगा कि नहीं तो क्या होगा यार, आप इतने प्यार से बात कर रहे हो, इतने धीरे धीरे चाकू की वार कर रहे हो, दिल पे छेद कर रहे हो, इतना मजा से प्यार से बातें कर रहे हो, कोई भी फंस जाएगा यार आपके बातों में, बहकाव में आ जाएगा, है कि नहीं? और आप लोग रख रही हूँ, कस्टमर केयर तो फोन रखता नहीं है अपनी तरफ से, ये कौन सा नियम है भाई कि आपके अपने तरफ से फोन कट जाएंगे, फोन कट जाता है ना फ्रॉडियों का। हाँ पिन एंटर कीजिए। पिन तो एंटर कर दिया हूँ लेकिन सबमिट नहीं किया हूँ मैं, अब देखते देखते ऐसे ऐसे मैं नहीं करूँगा वरना सबमिट हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा तो भाई पता है आप लोगों को क्या होने वाला है यहाँ पे लास्ट एंड पे, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बार पे कर दिया था, एक बार सबमिट बटन दबा दूंगा तो कट जाएगा हमारा पैसा। सर आपको कैश बैक रिसीव करना है या नहीं जवाब दीजिए। और ये हम पता है मतलब इतने बुर्बक नहीं है जो हम पिन दबा देंगे और पिन दबा देंगे हमारे पैसे आप लूट लीजिएगा, साला इतना मेहनत से कमाते हैं। और एक कॉल मात्र 5 मिनट का कॉल आपसे क्या हो रहा है दोस्तों, देखा आपने, ये पिन को मैं जैसे एंटर कर देता तो हमारा पैसा कट जाता भाई, आप लोग की भी वाट लगी होगी, ऐसा वाट लगी होगी या फिर फ्रॉड कॉल आया होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली रिश्तेदार माता पिता को भी सेंड कीजिए, फ्रॉड कॉल होता है ये सब, फंस जाओगे आप, आपके पैसे चला जाएगा, सावधान रहिए ऐसे फेक कॉल से, फ्रॉड कॉल से, और सतर्क रहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।